आज हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन। इनमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन तो प्रतिशत आने वाला है, तो इसको देखते हैं। पादप हार्मोन दो तरह के होते हैं, एक वृद्धि और एक वृद्धि संबंध, यानी कि एक हार्मोन वृद्धि करने वाले और वृद्धि को रोकने वाले। तो वृद्धि हार्मोन कौन कौन से हैं? ये तीन हार्मोन होते हैं, एक ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। ये तीन वृद्धि हार्मोन है, इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है ऑक्सिन। ऑक्सिन प्रकाश को संसूचित करता है, तो ये चारों आपको याद करना है। पररोह के अग्रभाग में इसका निर्माण होगा, जबकि पररोह के छाया वाले भाग में एकत्रित या शामिल होगा, यानी कि प्रकाश वाले भाग में ये बनेगा और प्रकाश के विपरीत छाया वाले भाग में ये एकत्रित होगा। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है, तो पूछे कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करने वाला हार्मोन तो ऑक्सिन। इसके बाद है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायक होता है। इसके बाद है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है और फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है, तो इसको आप याद रखना, इसको याद कर सकते हो आप। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है, यानी कि कोशिका विभाजन को इंग्लिश में कहते हैं साइटो, ठीक है, तो उसे याद कर लेना, साइटोकाइनिन। इसके बाद वृद्धि संवर्धन हार्मोन जो पादप की वृद्धि को रोकता है, तो वो है एब्सेसिक अम्ल। एब्सेसिक अम्ल के कारण पत्तियां मुरझा जाती है या फिर पत्तियां गिर जाती है। तो ये थे अपने पादप हार्मोन। इन 25 से पढ़े। नमस्कार, धन्यवाद।